बैक टू द चैनल गाइज। और आज की इस वाली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा टाउन हॉल 8v8, 9v9 and 10v10 थ्री स्टार स्ट्रेटजीज। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 24 विन स्ट्रीक थी हमारे ओपोनेंट की क्लैन की। मेरे को कोई आइडिया नहीं गाइज कि कैसे किसी क्लैन का स्ट्रीक 24 हो सकता है, और ऐसे टाइप के अटैक्स, इतने सारे फेल अटैक्स, इतने सारे 9v9, 10v10 हर जगह उन लोग फेल कर रहे हैं। तो पता नहीं कैसे उन लोगों का वॉर विन स्ट्रीक 24 था, शायद मिसमैच हुआ होगा या फिर कुछ और रीजन भी हो सकता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं। तो फटाफट गाइज आगे एपिसोड में आगे बढ़ जाते हैं और आपको मैं कुछ अटैक्स दिखाऊंगा। टोटल 4 अटैक्स दिखाने वाला हूं गाइस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाउन हॉल 8v8 अटैक में बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि उनको लगता है कि सीसी ल्यूर करके सीसी किल करें तो ज्यादा सेफ होता है। तो मैं दोनों 8v8 अटैक्स आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको सीसी ल्यूर करने की कोई जरूरत नहीं। आप डबल पॉइजन होता है आपके पास तो आपको सीसी का कोई टेंशन नहीं है। ड्रैगन निकले, बेबी ड्रैगन निकले, बलून निकले, कुछ भी निकले, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फटाफट गाइस चलते हैं एपिसोड में और शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 87-78 कंफर्टेबल मार्जिन था 9 स्टार का, आराम से हम लोग जीत चुके थे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नंबर 1 मेरे ऊपर एक ही स्टार स्कोर कर पाया था ओपोनेंट का, नंबर 1, नंबर 3 के ऊपर फेल, 4 के ऊपर फेल, 5 के ऊपर फेल, और नीचे भी बहुत सारे टाउन हॉल 9v9 अटैक्स फेल हुए थे। तो यही बेसिक रीज़न था। और हमने सिर्फ एक नंबर 1 के ऊपर मैंने स्कोर किया था 84% 2 स्टार, नंबर 3 के ऊपर स्कोर किया था मैंने 3 स्टार, और दो नंबर 2 एंड नंबर 4 बच गए थे, और बाकी सारे के सारे बेसिस 3 स्टार हो चुके थे। चलिए मैं पहले आपको शुरू कर देता हूँ टाउन हॉल 8v8 अटैक से। और गाइज दो अटैक्स मैं दिखाऊंगा, टाउन हॉल 8v8, एक 9v9 दिखाऊंगा। वैसे 9v9 से बहुत भरे पड़े हैं पर मैं रेगुलरली आपको दिखाता रहता हूँ, और करंट वॉर जो चल रहा है उसके अटैक्स भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, और एक 10v10 में 3 स्टार अटैक आपको दिखाऊंगा। और जो भी अटैक्स मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे बेसिस गाइज बहुत कॉमन बेसिस है, हर एक वॉर में आपको मिल जाएंगे, और कैसे आप उस बेसिस को 3 स्टार कर सकते हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो पहला जो अटैक मैं दिखाने वाला हूं 8v8, अगर आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं सीसी से, मैंने देखा है टाउन 8 के प्लेयर बोलते भी हैं कि भाई सीसी से ड्रैगन निकल जाए तो क्या करेंगे, या फिर ल्यूर नहीं कर पा रहे हैं, सीसी बहुत सेंटर में है तो क्या करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़े हॉग्स यूज करते हैं सीसी ल्यूर करने के लिए, कोई कोई थोड़े बलून्स यूज करते हैं सीसी ल्यूर करने के लिए, पर गाइस कोई जरूरत नहीं, अगर आपके पास डबल पॉइजन है कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो चलिए गाइस फटाफट जंप करते हैं इस फर्स्ट अटैक में, और देख सकते हैं ये रहा बेस, फुल्ली मैक्स आउट टाउन हॉल 8 का बेस है। आप देख सकते हैं डिफेंस बहुत अच्छे से अपग्रेडेड है, सारे के सारे फुल मैक्स आउट टाउन हॉल 8 बेस है, और डिजाइन जो है ये काफी एक सिमिलर डिजाइन है, बहुत सारे वॉर में ऐसा डिजाइन आपको मिलता होगा। तो गाइस स्ट्रेटजी क्या थी मैं आपको बताता हूं पहले, उसके बाद गाइस आप देख पाएंगे सीसी ल्यूर करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था, और सीसी भी काफी सेंटर में था। तो एच भी किया गया, एच भी अगर आपको नहीं पता टाउन हॉल 9 में बहुत ज्यादा फेमस अटैक है एच भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जायंट्स डिप्लॉय किए गए, उनके पीछे हीलर, 3 हीलर, और विजर्ड से पहले इनिशियल फनर क्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद आपके पास क्या है, आपके सीसी में बोलर्स हैं, आपके पास किंग है जो 9 लेवल का किंग है इसके पास, पर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं सीसी को ल्यूर नहीं किया गया, सीसी से एक ड्रैगन निकल रहा है और विजर्ड्स निकल रहे हैं शायद से, हाँ विजर्ड्स निकल रहे हैं। डबल पॉइजन कर दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम से जो सीसी है वो क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से सीसी भी किल हो गया, किंग भी किल हो गया, और जायंट्स और बोलर्स आराम से काम कर रहे हैं अपना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और हॉग्स आप पहले डिप्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सर्जिकली डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर अगर बेस अगर आपका ऐसा है तो आप स्पैम भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस वक्त गाइस देख सकते हैं अटैक जो है काफी अच्छा जा रहा है, जायंट्स बहुत सारे बचे हुए हैं, किंग की एबिलिटी अभी भी बची हुई है, और हॉग्स डिप्लॉय हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो गाइस 2 हील स्पेल अभी बचा हुआ है, ये गया पहला हील स्पेल, अभी भी हमारे पास जायंट्स बचे हुए हैं, बोलर्स बचे हुए हैं, किंग बचा हुआ है, थोड़े विजर्ड्स बचे हुए हैं जो लास्ट में क्लीनअप के काम आएंगे। एक हील स्पेल अभी भी बचा हुआ है जो कि शायद ये लास्ट वाले कंपार्टमेंट में यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बम टावर का स्प्लैश डैमेज है और जायंट बम भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये रहा लास्ट वाला जो हील है वो यूज हो गया है, और अभी भी इतने सारे हॉग्स हैं, और डिफेंस में सिर्फ एक ही बचा हुआ है, ये सॉरी 2 बचे हुए हैं, एक ये डबल कैनन, एक टेस्ला फार्म, सॉरी एक टेस्ला निकला है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने सारे हॉग्स अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास। जायंट बम फटता है पर स्प्लैश डैमेज जितने भी थे सारे के सारे डाउन हो चुके हैं इस पॉइंट में, सिर्फ एक मोर्टार बचा हुआ है और मोर्टार के रेंज से बाहर है हॉग्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस क्लीनअप बचा हुआ है, और 2-1 विजर्ड्स हैं जो क्लीनअप का काम जो है वो स्मूथ कर देंगे। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि बाकी का जो क्लीनअप प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो जाए। और आप देख सकते हैं गाइस काफी डोमिनेंट अटैक था, बोलर्स अभी 2 बोलर्स बचे हुए हैं, कुछ हॉक्स बचे हुए हैं, किंग अभी बचा हुआ है, और 75% के ऊपर हिल था किंग का, तो आराम से ये जो बेस है 3 स्टार हो गया है। तो गाइस बहुत ही डोमिनेंट अटैक है टाउन हॉल 8 में एच भी। अगर आप सीसी से डरते हैं तो सीसी से डरने की कोई बात नहीं है, ल्यूर करने की कोई जरूरत नहीं है, डबल पॉइजन है आपके पास, आराम से जो सीसी का ध्यान रख देगा डबल। तो ये था पहला अटैक। अब जो दूसरा अटैक मैं आपको दिखाने वाला हूं वो थोड़ा सा अलग है गाइस, उसमें गोलम और पिक्का यूज हुआ है, उसके साथ कुछ हॉग राइडर्स उसमें भी यूज हुए हैं, और जो बेस है काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे बेसेस आपको मेरे को लगता है रेगुलरली मिलते रहते हैं वॉर में अगर आप टाउन हॉल 8 के प्लेयर हैं। ये देख सकते हैं
काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, एंटी थ्री स्टार टाइप का बेस है। इस बेस में बहुत लोग ड्रैगन्स भी करते हैं, पर ये वाली स्ट्रेटजी है बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी, आप यूज करें। और गाइस देख सकते हैं दो गोलम यूज किया गया, एक पिका यूज किया गया, और सीसी से बोलर्स निकलेंगे, और उसी के साथ आप स्पेल्स में देख सकते हैं दो हील स्पेल एंड वन रे स्पेल। तो देख सकते हैं पहले फनल क्रिएट किया गया है, और उसके बाद एक पिका ड्रॉप हो चुका है, किंग ड्रॉप हो चुका है, बोलर्स भी ड्रॉप हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि वॉल ब्रेकर्स क्यों नहीं थे इस पॉइंट में, तो इसका रीजन यही है कि सारे कंपार्टमेंट छोटे छोटे अलग अलग से डिवाइडेड है, तो वॉल ब्रेकर की ज्यादा फायदा नहीं होता, इसीलिए वॉल ब्रेकर लाया नहीं गया है, ताकि बोलर जो है अंदर जाए, गोलम अपने आप अंदर चला जाता। अब हॉक्स यूज कर चुके हैं यहाँ पर, सॉरी मैं बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं स्लो कर देता हूँ, पर आप देख पाएंगे कि अब बेस जो है आराम से क्लीन हो चुका है। अभी भी हमारा किंग का एबिलिटी बचा हुआ है जो अभी यूज हो चुका है, और डिफेंस में दो तीन पॉइंट डिफेंस बचे हुए हैं, पर विजर्ड्स बचे हुए हैं यहाँ पे, गोलम एक गोलम तो पूरा फुल हेल्थ में है, तो आराम से ये जो बेस है क्लियर हो जाएगा। बॉलर एक भी नहीं मरा गाइस, सारे के चारों बॉलर सब देख सकते हैं साइड से है। और गाइस मेरे को माफ कर देना, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके निकल गया था, पर कोई बात नहीं गाइस, आप देख पाएंगे कि आराम से जो ये बेस है क्रश बोल सकते हैं, एकदम क्रश हो चुका है। किंग 75-80% के आसपास हेल्थ बची हुई है, सारे बॉलर्स बचे हुए हैं, 5-6 हॉक्स बचे हुए हैं, सब कुछ बचा हुआ है, लिटरली सब कुछ बचा हुआ है। तो बस बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, मेरे को तो काफी कमाल लगती है दोनों स्ट्रेटजी, एचपी एंड ये वाली जो स्ट्रेटजी है, गो वाइप भी कर सकते हैं आप लोग। 8 में गाइस अभी तो ऐसा सीन चल रहा है कि कुछ भी यूज कीजिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करते हैं तो 3 स्टार आपको मिलता ही मिलता है। चलिए अब गाइस जंप करते हैं टाउन हॉल 9 के स्ट्रेटजी के ऊपर, और देखते हैं कौन सी वाली बेस मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे को अभी इतना याद नहीं पड़ रहा है, मैं शायद से ये वाला था, मैं एक बार बेस स्काउट कर लेता हूँ गाइस, मेरे को याद नहीं है कि कौन सा वाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा स्काउट करके मैं आपको दिखाऊंगा। और सारे अटैक्स जो थे 3 स्टार अटैक्स थे, तो एक मैं वही बेस दिखाने वाला हूँ जो बहुत कॉमन बेस है, और वॉर में आपको रेगुलर ये देख सकते हैं गाइस, ये वाला जो बेस था काफ़ी एंटी 3 स्टार टाइप का बेस था, और मेरे को पहले लुक में लगा था कि काफ़ी अच्छा डिफेंड करेगा ये बेस, पर देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या थी। और स्ट्रेटजी थी गाइस फिर से एचबी, हीरोज थोड़े से लो थे, 20 एंड 22 की लेवल की हीरोज थी, बेस फुल्ली मैक्स आउट बेस है, वॉल्स जो है सारे के सारे मैक्स आउट वॉल्स हैं, तो आप देख सकते हैं स्ट्रेटजी बहुत कमाल की है, आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको टाउनल 8v8 में भी दिखाया आपको कि एचबी कितना सुपर काम करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वॉल ब्रेकर की जरूरत नहीं है, जायंट्स वॉल को टेक केयर करेंगे, और उसी के साथ किंग अंदर जाएगा, अपने बॉलर्स अंदर जाएंगे, और बस उसके बाद तो रेज यूज करें। और यहाँ पे एक बॉलर बट गया था, पर कोई बात नहीं, एक बॉलर बटने से ज्यादा दिक्कत नहीं होता। बहुत लोग क्या करते हैं गाइस, मैं एक बार फ्रीज करके आपको बताता हूँ, बहुत लोग एक जंप भी यूज करते हैं, पर अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर एयर डिफेंस का जो रेंज है वो थोड़ा दूर में है, तो आप जंप यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डबल रेज यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल आप हील स्पेल यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट फिर से चलते हैं यहाँ पर, तो अभी भी सीसी ल्यूर नहीं हुआ है, वो एक थोड़ी सी अभी भी चिंता वाली बात है, पर जैसे ही सेकंड लेयर ऑफ वॉल के अंदर जाएंगे अपने जायंट्स और बाकी सारे ट्रूप से सीसी निकल जाएगा, और डबल पॉइजन कर देंगे, तो मैं फ्री वही बता रहा हूँ, डबल पॉइजन कर देते हैं सीसी को, तो सीसी का टेंशन आपको रहता नहीं है, तो कोई भी ल्यूर करने की जरूरत नहीं है, सीसी ल्यूर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बॉटम से ड्रॉप हो रहे हैं हॉग राइडर्स, ताकि क्या होगा ना, जायंट का जो टैंकिंग है वो हॉग्स को बराबर मिले और हील को आप होल्ड कर पाए। तो इस पॉइंट में आप देख सकते हैं अभी भी दो हीलर बचे हुए हैं, जो कि आराम से जायंट्स को हील कर रहे हैं, और हॉग्स अंदर बेस में अब मार्च कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास दो हील स्पेल बचा हुआ है, सॉरी अभी भी 3 हील स्पेल, पहला हील अभी ड्रॉप हुआ है, अभी भी 2 हील स्पेल बचे हुए हैं। तो गाइस देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% जो ये जो बेस है वो खत्म हो चुका है, और अब सिर्फ टॉप साइड में 2-3 विजर्ड टावर बचे हुए हैं, एक एक्सपो बचा हुआ है, टेस्ला फार्म, एक हील जाएगा यहाँ पर, ताकि आराम से हॉग जो है वो अपने फुल हेल्थ में रहे। और अब देख सकते हैं इस पॉइंट में गाइस, अगर लास्ट वाला हील स्वैग भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी भी हीलर्स बचे हुए हैं और बहुत सारे बॉलर्स बचे हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं, एक ही बॉलर बचा हुआ है शायद से, जायंट्स बचे हुए हैं, तो सारे के सारे हमारे पास जो मेन ट्रूप्स है, टैंकिंग ट्रूप्स, वो बचे हुए हैं। लास्ट हील स्पेल जाता है, यहाँ पर एक जायंट बम भी था, और टेस्ला फार्म को भी टेक डाउन करते हैं हॉग्स, और उसके बाद तो बस क्लीनअप प्रोसेस ही बचता है। तो गाइस हॉग राइडर के साथ आप बहुत सारे अटैक्स डिफरेंट कर सकते हैं, आप क्वीन वॉक हॉग राइडर, जो कि मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है टाउन हॉल 9 के ऊपर, क्वीन वॉक हॉग राइडर, उसके साथ ही गाइस आप एचबी कर सकते हैं, आप गोबो हो कर सकते हैं, गोहो कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं आपके पास, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ट्रूप कॉम्बिनेशन के साथ। तो आप मल्टीप्लेयर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि वॉर टाइम बहुत लोग होता है ना कि वॉर टाइम में आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि भाई ठीक है मल्टीप्लेयर में तो हो जा रहा है, आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिचुएशन में इतने सारे जायंट्स बचे थे, हॉग्स बचे थे, तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी है, आप यूज़ करके देख सकते हैं, पर होता क्या है, वॉर टाइम में आप जब अटैक करते हैं तो फेल होते हैं, फिर आप सोचते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे वीडियोज़ में देख रहे हैं आराम से हो रहा है,
अटैक कर रहे हैं तो फेल हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लेयर में प्रैक्टिस करें, फ्रेंडली चैलेंजेस में प्रैक्टिस करें, ताकि यूज टू हो जाए इस स्ट्रेटजी से। तो चलिए गाइस, लास्ट वाला जो मैं अटैक आपको दिखाने वाला हूँ, नंबर 5 के ऊपर अटैक था, टाउनर 10v10। और ये जो बेस है गाइस, आप देख पाएंगे अगर आप अच्छे से देखते हैं ये वाला बेस, तो ये वाला बेस बहुत कॉमन डिजाइन है। ये हर एक वॉर में, अगर टाउनर 10v10 प्लेयर हैं आप, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम वॉर में ऐसा बेस होता है। अगर एक वॉर में ना हो तो दूसरे वॉर में, हर दूसरे वॉर में तो होगा ही होगा। तो इस बेस को कैसे आप संभाल पाएंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्ट्रेटजी फिर से सेम है गाइज, HGHB, और कैसे आप इसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं इसने पावर पोशन यूज़ किया था, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके जो जायंट्स थे वो शायद से लेवल 6 के थे, पता नहीं कुछ रीज़न होगा पावर पोशन यूज़ करने का। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 हॉग राइडर्स हैं, 10 जायंट्स हैं, 4 हीलर्स हैं, और उसी के साथ 3 हील स्पेल, 1 रेज स्पेल एंड 1 जंप स्पेल। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या थी, मैं फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ से सारे लेफ्ट साइड से सारे जायंट्स ड्रॉप होते हैं, उसी के साथ हीलर्स, जैसे इनिशियल रहता है अपना सीन HGHB का। विजर्ड्स थोड़ा फनल क्रिएट करते हैं, अच्छा सा फनल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं 40 लेवल की क्वीन है, मतलब बहुत पावरफुल बेस था ये। डिफेंस भी लिटरली सारे मैक्स आउट थे, और वॉल्स भी बहुत अच्छे तगड़े लेवल के थे। सिंगल टारगेट इन्फर्नो था सामने एक तरफ, और अब बोलर्स डिप्लॉय हो रहे हैं, किंग क्वीन डिप्लॉय हो रही है, और अब आराम से क्वीन का ध्यान रखा जाएगा। सीसी से क्या निकलेगा अभी तो लिटरली मेरे को पता नहीं है, पर अभी जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है बेबी ड्रैगन विचेस का कॉम्बिनेशन। तो इस पॉइंट में आप देख पाएंगे, अच्छा बेबी ड्रैगन एंड ड्रैगन एयर एक बलून निकल रहा है, तो डबल पॉइजन कर दीजिए। फिर से मैं वही बताऊंगा, डबल पॉइजन कर दीजिए और कोई चिंता वाली बात नहीं है। सिंगल टारगेट इन्फर्नो डाउन हो चुका है, हीलर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे जायंट्स को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, और इस साइड में थोड़े भटक गए हैं जायंट्स, पर फिर भी ठीक है। ओवरऑल अभी तक बेस जो है 35% डैमेज हो चुका है, और अब हॉग्स डिप्लॉय हो रहे हैं, और सारे के सारे हॉग्स इसे स्पैम कर दिए हैं अपने साउथ साइड से, और अपने हॉग्स जो है वो मार्च करेंगे अब बेस के अंदर। हील स्पेल बहुत सारे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हॉग्स को आप अच्छे से ट्रैक करें किस साइड जा रहा है, जायंट बम फट रहे हैं या नहीं फट रहे हैं, स्प्लैश डैमेज में पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक करेंगे तो ये बेस जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी भी गाइज एक हील स्पेल लास्ट बचा हुआ है, क्वीन की एबिलिटी बची हुई है जो कि पॉप हो चुकी है, एक हीलर बचा हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है, और कुछ क्लीनअप ट्रूप्स भी अभी भी बचे हुए हैं। तो हॉग्स, इतने सारे हॉग्स बचे हुए हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर कम से कम 10-12 हॉग्स बचे हुए हैं, और बेस में जस्ट 2 आर्चर टावर बचा हुआ है और 2 कैनन बचा हुआ है। क्वीन डाउन हो चुकी है, अब सिर्फ हॉग्स के ऊपर जिम्मेदारी है, और हीलर जो है वो शिफ्ट हो चुकी है क्वीन के ऊपर, हील भी क्वीन के ऊपर नहीं गाइस, हॉग्स के ऊपर। तो अब हीलर भी शिफ्ट हो गया, पर हीलर मर चुका, पर कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी भी इतने सारे हॉग्स हैं अंडर हील स्पेल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्लीनअप के लिए कुछ विजर्ड्स हैं हमारे पास, बॉटम साइड में 2 विजर्ड्स डिप्लॉय हो चुके, एक बोलर है अंदर पे जो थोड़ा क्लीनअप करेगा अंदर की साइड में। तो गाइस लिटरली आप देख चुके हैं आराम से, ये जो बेस है ये भी 3-स्टार हो गया, बहुत सारे हॉग्स बचे हुए हैं, क्लीनअप ट्रूप्स थोड़े बचे हुए हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखने में आ जाए कि क्लीनअप प्रोसेस खत्म होता है और 3-स्टार हम लोग स्कोर करते हैं। तो गाइस बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है HGHB, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि बड़ा सिंपल है, आप जाएंगे मल्टीप्लेयर में ट्राई करेंगे, बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसा सीन रहता है, कैसे आपको डिप्लॉय करने पड़ते हैं जायंट्स हॉग्स वगैरह वगैरह। तो गाइज सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो व्यू करते हैं, आप ये वीडियो देख के फटाफट वॉर में ना चले जाएं, आप फेल होंगे फिर आपको लगेगा भाई ये हो नहीं रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, मल्टीप्लेयर में आप प्रैक्टिस करें, आप फ्रेंडली चैलेंजेस में प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप जब यूज टू हो जाए तभी वॉर में ये सारे अटैक्स किया करें। तो गाइज बस इस वीडियो में यही सारे अटैक्स मैंने आपको दिखाए, और आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज में दिखाता रहूंगा अलग अलग टाउन हॉल के ऊपर। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप वॉर लवर है तो, और गाइज मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज ऑलवेज गाइज जय हिंद। Have you not?